हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें। यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। Hello, my dear students and friends, welcome back. Again, it's a new video with new phrases in Hindi, and we are going to translate them into English. And these are very common phrases we use in our speaking almost every day. So let's start. हम बोलते हैं ये बाजू में है या बगल में है, तो it's next to. जैसे मैंने बोला डॉक्टर का क्लिनिक पोस्ट ऑफिस के बगल में है ना, या बाजू में है, तो क्या बोलेंगे? द डॉक्टर्स क्लिनिक इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, लाइक दिस, नेक्स्ट टू। अगर थोड़ा पास में है तो क्लोज टू, ठीक, नेक्स्ट टू जस्ट बगल में है। नेक्स्ट इज मेरा तुम्हारा हिसाब अब बराबर हुआ। इसका मतलब ना मुझे अब तुमसे कुछ लेना है ना मुझे तुम्हें कुछ देना है। इट मीन्स वी आर स्क्वायर नाउ। वी आर स्क्वायर नाउ, अब हम बराबर हैं, हमारा हिसाब बराबर हो गया। एक दो से मैं निपट लूंगा। आई विल डील विद वन और टू, आई विल डील विद वन और टू। चैन की सांस लेने के लिए एक इडियोमेटिक वे होता है, जैसे मैंने चैन की सांस ली, तो पहले इसको समझ लीजिए। ही अ साइ ऑफ रिलीफ हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसका सेंटेंस हम बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने उसके उसकी तबीयत के बारे में जानकर मुझे चैन की सांस आई, या मैंने चैन की सांस ली। आई हीव्ड अ साइ ऑफ रिलीफ आफ्टर नोइंग दैट ही वॉज ऑल राइट, ठीक है। I heaved a sigh of relief after knowing that he was all right. ठीक है, वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। तो इसके लिए तक कट अ सॉरी फिगर, ठीक है, मतलब कोई मायूस हो जाए किसी के सामने, कुछ आप ऐसी बात कर दो कि उसके पास कोई उसका उत्तर ना हो या वो शर्मिंदा महसूस करे, तब हम बोलते हैं कट अ सॉरी फिगर। इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, ही कट अ सॉरी फिगर व्हेन ही वॉज प्रूव्ड रॉन्ग। He cut a sorry figure when he was proved wrong. जब उसको wrong साबित, उसको गलत साबित किया गया, तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। तो he cut a sorry figure when he was proved wrong. दो और दो चार होते हैं, टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक
4. आप निराश मत होइए. तो निराश करना तो होता है डिसअपॉइंट, लेकिन जब हम खुद होते हैं तो गेट प्लस वी थ्री का यूज करते हैं होना के लिए. तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. सकारात्मक सोचो या सकारात्मक बनो. तो सोचो, थिंक पॉजिटिवली या बी पॉजिटिव. थिंक पॉजिटिवली या बी पॉजिटिव, ये भी बड़ा कॉमन फ्रेज है. चारों ओर पानी ही पानी था, तो देयर वॉज नथिंग बट वॉटर ऑल अराउंड. There was nothing was but water all There was nothing but water all around. अभी है ये थोड़ा exclamatory है, कितनी लापरवाही से तुमने कार चलाई. ठीक है, तो how carelessly, how carelessly you drove the car. और इसके बाद exclamatory sign चाहिए. How carelessly you drove the car. It was not good. You should have been careful. आपको सावधान होना चाहिए था. Okay. So, it was the video I have already made. I hope you like it. If you like it, please click on like button and share it for others. And keep watching my videos. Subscribe to my channel if you haven't subscribed. And I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video. So you may contact me if you want to have classes with me through Skype online. Thanks for watching. Thank you.